हिस्से में ये खबर अभी तो राहत दे रही है, आगे आगे हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसको लेकर भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और नजरें इंडिया न्यूज की भी हैं कि कब ये युद्ध रुकेगा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने पर मुइज़्ज़ो की तारीफ यहाँ पर सामने आई है। मुइज़्ज़ो को सबसे कड़े विरोधी का समर्थन मिला है। यहाँ पर मुइज़्ज़ो को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद का साथ मिला है। नशीद ने भारत के संबंधों के लिए मुइज़्ज़ो को समर्थन दिया। मुइज़्ज़ो के दिल्ली जाने का नशीद ने स्वागत किया है। भारत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं नशीद। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं नशीद, लेकिन मुइज़्ज़ो के भारत आने को लेकर समर्थन अब दे रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश के तौर पर यह देखा जा रहा है। इसी कोशिश पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो को अपने सबसे कड़े विरोधी का समर्थन मिला है, क्योंकि देश की बात है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा कि उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स भारत के संबंधों की वर्तमान संभावनाओं के आधार पर मुइज़्ज़ो का समर्थन करती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। मुइज़्ज़ो के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण देखा जा रहा है, लेकिन उनकी भारत यात्रा के बाद संबंधों में एक नई गर्माहट आने की उम्मीद अब हो रही है। नशीद ने इस बात पर जोर दिया कि हर चुनाव में मालदीव की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल देना मालदीव के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब मालदीव की मुइज़्ज़ो सरकार भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही है। सितंबर के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में पार्टी के उम्मीदवार इलियास लबीब की हार के बाद नशीद की पार्टी डेमोक्रेट्स ने दूसरे दौर में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। नशीद ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज़्ज़ो के हिस्सा लेने का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो और प्रधानमंत्री मोदी को उनके धैर्य और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने इस कदम को भारत के लिए मालदीव की विदेश नीति में सुधार की संभावना वाला भी बताया, यानी कि अपने देश के हित को देखते हुए अब विरोधी भी साथ में आने लगे हैं। और मालदीव में जिस तरीके से नुकसान अभी पिछले कुछ वक्त में हुआ है, वो मालदीव भी सुधारना चाहता है और भारत से अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि मालदीव में जो भारतीय पर्यटक पहुंचते थे उसकी संख्या में एक बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ी गिरावट आई है, जिसका नुकसान अब मालदीव की आर्थिक व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ा है। अब ऐसे में जो कट्टर समर्थक हैं वो भी सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं। यूके देवनाथ सर। जी हाँ रचना, हो ये रहा है कि मालदीव के साथ हमारे जो संबंध है वो दशकों से, शुरुआती दिनों से ही बहुत ही मधुर, प्रगट और मजबूत रहे हैं। अब राष्ट्रपति नशीद के साथ टाइम भी मालदीव और इंडिया के रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस बहुत ही हेल्दी थे, मजबूत थे। मैं आज भी ये दावा करता हूं कि हमारे संबंध जो है, भारत के संबंध मालदीव के साथ बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो की चुनाव के समय में, यानी पिछले साल जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो रहे थे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ गया था डोमेस्टिक ऑडियंस का, तो वोट हासिल करने के लिए उन्हें थोड़ा एंटी इंडिया स्टांस लेना पड़ा। लेकिन भारत बहुत ही मैच्योर देश है। मैं आपको बताता हूं, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, 40 साल से वो देख चुके हैं। तो छोटी मोटी खटास जो है मालदीव के साथ हमारे जो रिलेशन है उसमें कोई भी दरार नहीं ला सकती। मैं आपको निर्मला सीता जी रमन जी का एग्जाम्पल देता हूं। जब 28 फरवरी को उन्होंने प्रोविजनल बजट क्लियर किया था, ये भूलना चाहिए कि 28 फरवरी में ये टूरिज्म वाला मामला अचानक भड़क गया था, लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने 28 फरवरी को जो प्रोविजनल बजट दिया था उसमें 600 करोड़ रुपए उन्होंने मालदीव की सहायता के लिए प्रावधान रखा था। और आज की तारीख में अब जब सरकार का गठन हो गया, फॉर्मल फाइनल बजट अब अगले हफ्ते पास होने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, इस मालदीव को जो सपोर्ट देना, इसको 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 950 करोड़ रुपए कर रहा है। तो बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे राष्ट्रपति मोदी के साथ हमारे भारत के। अब इसे लालच कहें या जरूरत कहें, मेजर शाह जी? दोनों। देखिए, जब मजबूरी आती है, जब जब हाथ मुड़ता है, जब
हम लगता है हम इनके बिना नहीं रह सकते, हमें इनका साथ देना ही होगा, नहीं तो फिर हमारा सर्वाइवल पे मुश्किल हो जाएगा। तो जी हाँ, आप देखिए हिंदुस्तान की ताकत ऐसी है आज की तारीख में कि अन्य मुल्क, जितने भी मुल्क जितने उन्होंने कहा कि भी हमें हिंदुस्तान की जरूरत नहीं होगी पहले, वो आज भी हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर वो हिंदुस्तान की मदद करेंगे इन टर्न, इन रिटर्न उनको बहुत ज्यादा कई मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेगा। तो जी हाँ, इसलिए सही सी बात है कि हिंदुस्तान से कोई भी बैड बुक्स में रखना नहीं चाहता है, ये साफ दर्शित होता है इसमें। और इसमें ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम जब देखते हैं कि ओवरऑल लेट्स टॉक अबाउट इंडियंस, कि कोई पार्टी जीती हारी वो वाली पार्टी नहीं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी हो, बाहर के मुल्क के लोग शरीक हो रहे हैं इसके अंदर, और वो ऐसे मुल्क जिनको तकलीफ थी हमारे से, वही मुल्क आके हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है ये उसमें। अब इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के कंधों पर ज्यादा है या फिर दोनों देशों को साथ में मिलकर काम करना होगा? यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ताली, अच्छी ताली दोनों हाथों से बजती है। सही बात। भारत एक महान देश है, हमारी हजारों साल की सभ्यता है, मालदीव जो है हमारा भाई है, तो इससे शुरुआत हो चुकी है। मैं बताता हूँ, थोड़ी सी जो कटुता या खटास हुई थी उस वक्त, ऐसा हो गया कि डोमेस्टिक ऑडियंस, डोमेस्टिक वोटर्स के लिए उन्होंने बोल दिया था कि हम भारत की फौज को निकाल बाहर करेंगे। अब उसमें था क्या कि हमारे दो हेलीकॉप्टर वहां पर थे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हमारे एक डोर्नियर वहां पर था कोस्टल सर्विलेंस के लिए जो कि हमने उनको गिफ्ट में दिया था। उनको जो मैन कर रहे थे, चाहे वो इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ हो या पायलट हो, वो भारत की फौज से थे। तो अब जो है हमने उसको ठीक कर लिया है, दुरुस्त कर लिया है। मई के 10 तारीख से अब हमारी जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल थे उनको वापस बुला लिया गया था, करीबन 90 लोग थे उनको वापस बुला लिया है, और सिविलियन टेक्नीशियंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से और सिविलियन पायलट जो हैं उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति मोइजू की जो एक मजबूरी थी कि वो अपने देश की जनता को दिखाना चाहते थे कि हमने हिंदुस्तान की फौज को बाहर कर दिया, वो मीट हो गई है। तो अब मोइजू भी अपने देशवासियों को और अपने विरोधियों को, ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज गई और अब सिर्फ जो डोर्नियर एक जहाज या हेलीकॉप्टर जो दो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, वो हिंदुस्तान के सिविलियन क्रू हैंडल कर रहे हैं। तो मोइजू की जीत, भारत की भी जीत, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी एक साथ आगे बढ़कर चलना जरूरी भी है मेजर शाह, लेकिन मालदीव ने कभी ये सोचा भी होगा कि सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट जो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे, और यहाँ सिर्फ भारत सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं वो दिल पर इस चीज को लेंगे और फिर सीधा सीधा बॉयकॉट मालदीव, ये नारा सोशल मीडिया पर छा जाएगा और लोग वहां जाने से अब परहेज करेंगे? जी हाँ, मैं एक्चुअली आपकी बात से भी सहमत हूँ और कैप्टन यूके देवनाथ साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए मालदीव हमारा भाई है और बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो वहां पे बसे हुए हैं, जिनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है, रिजॉर्ट है, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो जब मालदीव, हमने बल्कि 80s में मिलिट्री कू मालदीव में होने से हमारी फौज ने वहां पे मालदीव को बचाया था, और जो डोनियर एयरक्राफ्ट की बात करें हमने इनको इतने दिए हैं, हमने मालदीव ने ये सोचा नहीं हुआ कि उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि अल्टीमेटली ऑल्स वेन दैट वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि अब वापस वो उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री के स्वेरिंग इन पे आने के लिए, तो उनकी तारीफ इसमें बाकायदा खूबी इसमें काबिल तारीफ है वो ये बात। तो ये बात ये है कि देखिए खटास भाई बहनों में, भाई भाइयों में तो होती रहती है। चीन का इनके ऊपर बहुत असर था, इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। थैंकफुली लकीली अब वो प्रभाव चीन का, कब तक वो गलत प्रभाव पे आप जिंदा रहोगे, आप लंबा खींचेगा? हिंदुस्तान और मालदीव्स भाई भाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ताली जैसे दो हाथे बजती है तो हिंदुस्तान और मालदीव दोनों दोस्त बन के रहेंगे हमेशा के लिए। ये दोस्ती मजबूत हो, रिश्ते बेहतर हों और दोनों देशों को इसका फायदा मिल सके, ऐसी उम्मीद की जा रही है और अब सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी चर्चा है। मेजर शाह, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इन्हीं सब बड़ी खबरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं, कहीं मत जाइएगा।